अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, हम आज के लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लिसन दिस लेक्चर वेरी केयरफुली। यहाँ पर हमारे एक सेल है, दैट इज अ सिग्नलिंग सेल। सिग्नलिंग सेल ऐसे सेल है जो कोई सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, एंड दिस सिग्नल विल एक्ट ऑन अनदर सेल, दैट टारगेट सेल। टारगेट सेल मस्ट हैव अ रिसेप्टर ऑन विच सिग्नल कैन बाइंड। अगर सिग्नल बाइंड कर सकते हैं, सच अ सिग्नल इज कॉल्ड अ लिगेंड। अगर उसके रिसेप्टर जो है ना सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर मौजूद है, रिसेप्टर, तो सच अ लिगेंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक इन अ सेंस कि ये वाटर सॉल्युबल है पर लिपिड इनसॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल होता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता। अगर हम दूसरी तरफ देखें, हमारे पास एक और सेल है, दिस वन ऑल्सो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इट ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ सिग्नल। दिस सिग्नल हैज अ कैपेसिटी टू बाइंड, और ये बाइंड कर सकता है, सिग्नल इज कॉल्ड अ लिगेंड। पर ये ऐसा लिगेंड मॉलिक्यूल है जिसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के सर्फिस पर नहीं है टारगेट सेल के, बल्कि उसके रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, सेल के अंदर। अगर रिसेप्टर सेल के अंदर मौजूद है, सच अ लिगेंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मीन्स लिपिड सॉल्यूबल। तो इसमें लिगेंड हमारे पास दो तरह का आएगा, या तो वो वाटर सॉल्युबल होगा और लिपिड इनसॉल्युबल होगा, उसके रिसेप्टर्स होंगे सेल सरफेस पर, और या अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो उसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो फिर सेल के अंदर होंगे, मतलब वो होंगे इंट्रा सेलुलर। ये पॉइंट हम लास्ट में क्लियर भी कराए हैं। अब हम देखते हैं रिसेप्टर जो हमें यहाँ पर नजर आ रहे, दिस वन, ये रिसेप्टर होता है किस तरह का है और इसकी डोमेन्स कौन कौन सी होती हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली। कोई भी जो रिसेप्टर होता है, अगर हम उसको देखते हैं, बेसिकली वो रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेल। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल मौजूद है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल कोई भी हो, उसके तीन रीजन हुआ करते हैं। एक उसकी डोमेन होती है सेल के बाहर, डोमेन से मतलब उसका पार्ट। दूसरी डोमेन होती है उसके सेल के अंदर, दैट्स ऑल्सो पार्ट। तो तीन उसके पार्ट्स बनेंगे, वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो कि सेल के बाहर है, अदर वन इज द इंट्रा सेलुलर डोमेन जो कि सेल के अंदर है। याद रखिए दोनों डोमेन जो होंगी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर, ये आर हाइड्रोफिलिक डोमेन्स होंगी। हाइड्रोफिलिक इन अ सेंस के बाहर भी पानी होता है और अंदर भी पानी होता है, तो ये दोनों जो डोमेन्स होंगी वो पोलर होंगी, जबकि दरमियान जो प्लेन डोमेन होगी इसकी, उसे हम कह रहे होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और इसको हम हीलिक्स भी कह रहे होते हैं। हो सकता है डोमेन एक हो, ट्रांस मेम्ब्रेन हो सकता है इससे ज्यादा हो। अगर एक होगा तो इसे कहा जा रहा होगा सिंगल अल्फा हेलिक्स, और ये वाली जो डोमेन होती है दरमियान के अंदर पाई जाती है ट्रांस मेम्ब्रेन, ये हमेशा हाइड्रोफोबिक ही होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है। अब ये भी याद रखें, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है दिस वन, इसको हम कह रहे होते हैं लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, क्योंकि इससे आगे बेसिकली लिगेंड बाइंड कर रहा होता है। जो अंदर वाली डोमेन होगी इसकी, दिस वन, ये वाली, इसे कहा जा रहा था कैटालिटिक डोमेन, क्योंकि इसने फिर आगे जाके जो भी पाथवे स्टार्ट करवाना होता है वो इस डोमेन ने, कैटालिटिक डोमेन ने स्टार्ट करवाना होता है। किस तरह करवा रहा होगा कि अगर कोई लिगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करेगा बाइंडिंग डोमेन के साथ, तो ट्रांस मेम्ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा और जो कैटालिटिक डोमेन है इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। स्ट्रक्चर में जो चेंज आएगा उसे कहा जाता है कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज से मतलब कि इसकी शेप में चेंज आ जाएगा कैटालिटिक साइट के अंदर। और ये भी आर के, क्योंकि ये पूरी प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, तो एक एंड इसका एन टर्मिनल होता है, दूसरा एंड हमेशा इसका सी टर्मिनल होता है। तो हमने पूरी डिटेल से पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, इसको देख भी लिया है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी रिसेप्टर जो होता है, पर्टिकुलरली सेल सर्फिस रिसेप्टर, उसके तीन पार्ट हुआ करते हैं, वन इज द बाइंडिंग डोमेन, अदर वन इज द ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, एंड थर्ड इज द कैटालिटिक डोमेन। जब कोई लिगेंड मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा होता है बाइंडिंग डोमेन के साथ, तो कैटालिटिक डोमेन जो है इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। मुझे पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम डिटेल देखते हैं रिसेप्टर्स की, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं।
तो रिसेप्टर जो है इनकी बेसिक टाइप्स दो होती हैं। वन इज इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, और सेकंड कहलाते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स और ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। मुराद सिंपल सी इसकी यही है कि हमारे पास लेट अस सपोज ये कोई सेल है, तो जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स हैं सेल के अंदर पाए जा रहे होंगे, आदर इन द साइटोप्लाज्म आदर इन द न्यूक्लियस इन दिस वे। तो दो जगह पाए जा सकते हैं, या तो वो साइटोसोलिक होंगे या फिर वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जा रहे होंगे। और याद रखें कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सिर्फ किसके पाए जा रहे होंगे, जो के लिपिड लेयर को क्रॉस कर लेते हैं, इट मीन जो लिपोफिलिक लिगेंड्स होंगे। ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो लिपिड लेयर को क्रॉस कर लेते हैं उन सबके रिसेप्टर्स होंगे वो सेल के अंदर पाए जा रहे होंगे। जब हम लिख भी लेते हैं इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर्स आर फॉर लिपोफिलिक कंपाउंड सब्सटेंसेस और हॉर्मोन्स। और जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली फॉर दोज जो के सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते, तो यहाँ आ जाएगी हाइड्रोफिलिक। अगर हम डिटेल देखते हैं इनकी, तो इसकी तीन टाइप्स आ रही होती हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स की। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज आयन चैनल लिगेंड रिसेप्टर्स, लिंक्ड रिसेप्टर्स, इसको आयनोट्रॉपिक भी कहा जा रहा होता है। सेकेंड इज द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स एंड थर्ड वन इज द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, इसको मेटाबोट्रॉपिक भी कह रहे होते हैं। अब हम सबकी डिटेल देख लेते हैं वन बाय वन। उससे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इनकी। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर जो है, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, याद रखें आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स को लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स भी कहा जा रहा होता है। एग्जाम्पल इसकी आ रही होगी दिस वन, एसिटाइल कोलीन कैटाइन चैनल, ये किस तरह होते हैं हम देखते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट एंजाइम रिसेप्टर्स, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी प्रोटीन काइनेज, टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन फॉस्फेटेस एंड हिस्टिडिन काइनेज। जबकि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है इस एग्जाम्पल में आ जाएंगे, दे बेसिकली एक्ट बाय सेकेंड सेकेंड मैसेंजर्स, ये सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, किस तरह करते हुए हम देखते हैं। और इस एग्जाम्पल आ जाएगी साइक्लिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, देन डायसाइल ग्लिसरॉल एंड इनोसिटिल फॉस्फेट 3। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, आयन चैनल लिंक्ड का, एंजाइम लिंक्ड का और जी प्रोटीन का। तो हमारे पास तीन कंडीशंस थी सेल सरफेस रिसेप्टर्स की। द फर्स्ट वन वाज आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, सेकंड वन वाज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और थर्ड वन वाज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। तो फर्स्ट वन जो है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, अगर हम इसको डिटेल से देखें तो रिसेप्टर जो है वो मौजूद होते हैं द सेल मेम्ब्रेन, तो हम हाथ में ये क्लोज फॉर्म में मौजूद है यहाँ पर। अब यहाँ पर लेट अस सपोज लिगेंड मॉलिक्यूल आया, लिगेंड मॉलिक्यूल हमारे पास जो है एसिटाइल कोलीन, दो मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं ऐसा लिगेंड। तो सेकेंड, अगर फिगर नंबर वन आ गई, सेकेंड फिगर में क्या हुआ कि ये लिगेंड मॉलिक्यूल अटैच कर गए। जब ये अटैच करेंगे लिगेंड मॉलिक्यूल, तो आप देखें रिसेप्टर्स के गेट ओपन हो जाते हैं। जब गेट ओपन होंगे तो सेल के बाहर बहुत से कैटाइन्स मौजूद होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, देखे एंटर फ्रॉम आउटसाइड मीडियम टू इनसाइड मीडियम। सो इट मीन ये आयन चैनल के तौर पर एक्ट कर रहा होगा, आयन्स की मूवमेंट हो रही होगी और वो भी कौन से, पॉजिटिव वाले। और सेकंड हम देखते हैं जी प्रोटीन वाले, तो जी प्रोटीन को जी प्रोटीन क्यों कह रहे होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है, इसका नाम होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और इसके साथ हेलिक्स होते हैं। अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 हेलिक्स होते हैं, इसलिए इसको 7 पास रिसेप्टर भी कहा जा रहा होता है। इसका एक एंड बाहरी तरफ होगा डेट इज बाइंडिंग डोमेन, और दूसरा एंड इसका अंदर की तरफ होगा डेट इज अ कैटालिटिक डोमेन। और ये भी याद रखें कि आम हालात के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और यहाँ पर ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल हमें यहाँ मौजूद है ये प्रोटीन के साथ मिलके काम कर रहा होता है, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज जी प्रोटीन। इस वजह से कहते हैं 7 जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी कि ये रिसेप्टर हो गया और ये जी प्रोटीन हो गई, दोनों मिलके काम कर रहे होंगे। और जो जी प्रोटीन के तीन यूनिट्स होते हैं, वन इज अल्फा, अदर वन इज बीटा एंड थर्ड वन इज गामा। और अल्फा यूनिट जो है वो बाइंड किया होता है GDP के साथ, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में हो रिसेप्टर। अब फॉर एग्जाम्पल कोई लिगेंड मॉलिक्यूल आया, सिग्नल आया और उसने बाइंड कर लिया,
इसकी बाइंडिंग साइट के साथ, ये लिगेंड है। जब ये बाइंड करेगा तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगी इसकी सी साइट के ऊपर। वो चेंज इस सेंस में आएगी कि ये कम्युनिकेट करेगा विद द जी प्रोटीन, और जी प्रोटीन का जो अल्फा यूनिट है वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द रेस्ट पार्ट, और जो जीडीपी है उसकी फॉस्फोरिलेशन होगी वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जीटीपी में कन्वर्ट होने के बाद देन इट्स एबल टू प्रोड्यूस अ मैसेंजर कॉल्ड एज स्केंड्री मैसेंजर। अब स्केंड्री मैसेंजर्स क्या होते हैं, हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे भी। तो इस तरह ये सेकेंड मैसेंजर बाद में फिर पैदा कर रहा होता है। ये है इसकी एक्टिव फॉर्म और ये है इसकी इनएक्टिव स्टेट। थर्ड हमारे पास है एंजाइम लिंक्ड, और एंजाइम लिंक्ड सेप्टर किस तरह काम कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे बनाए, हमारे पास ये वाली इसकी आगे ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, नेक्स्ट इज द एक्सट्रासेलुलर डोमेन, एंड द लास्ट वन इज द इंट्रासेलुलर डोमेन। जो एक्सट्रासेलुलर डोमेन है उसके साथ लेट अस सपोज कोई लिगेंड मॉलिक्यूल अटैच हो गया, जैसे लिगेंड मॉलिक्यूल, और जो इंट्रासेलुलर डोमेन है इसकी, ये फिर इंटरेक्ट करती है किसी एंजाइम के साथ। तो इसको इसलिए इसको एंजाइम लिंक्ड कह रहे होते हैं। लिगेंड ने बाहर से अटैच किया, जो इंट्रासेलुलर डोमेन है डेट एसोसिएटेड विद द एंजाइम, फिर वो एंजाइम आगे पूरा प्रोसेस स्टार्ट करवाएगा। एक ऑप्शन ये होती है। दूसरी ऑप्शन ये होती है एंजाइम रिसेप्टर के साथ कि ये इसकी एक्सट्रासेलुलर डोमेन है, बाइंडिंग डोमेन जो बाइंड करी होगी किसी लिगेंड मॉलिक्यूल के साथ, ये लिगेंड मॉलिक्यूल आ गया। जो इंट्रासेलुलर डोमेन है वो किसी एंजाइम के साथ लिंक नहीं करती, वो जाते खुद एक एंजाइम होता है। तो ये भी चांस है। एक ऑप्शन तो ये है कि जो इंट्रासेलुलर डोमेन है वो किसी एंजाइम के साथ लिंक करे और फिर वो एंजाइम काम करे। दूसरी ऑप्शन ये है कि इंट्रासेलुलर जो डोमेन है इसकी वो किसी एंजाइम के साथ लिंक ना करे, वो जाते खुद ही एक एंजाइम हो जो कि फिर आगे पूरे प्रोसेस को कैरी ऑन करे। उम्मीद है ये सारे जो रिसेप्टर्स थे, सेल रिसेप्टर्स, हमें पूरे समझ में आके होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। दैट्स अल्लाह हाफिज़।